हेलो दोस्तों, बाइक मैकेनिक राइडर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करते हैं, हीरो कंपनी ने नई बाइक लॉन्च की है जिसे आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर ये जो बाइक है हीरो कंपनी का HF डिलक्स i3 सिस्टम की बाइक है। i3 है, उसके साथ में IBS ये भी सिस्टम हमें दिया है, नया सिस्टम लॉन्च किया है। हालांकि मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जैसे कि IBS का मतलब होता है इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम है, जो हीरो कंपनी ने पहली बार लो सीसी के बाइक के लिए दे दिया है। अभी तो उसने जो IBS दिया था वो हाई सीसी के बाइक के लिए दिया था, लेकिन ये जो 97.2 सीसी फोर स्ट्रोक इंजन की जो बाइक है सिंगल सिलेंडर की, तो सबसे पहली बार IBS सिस्टम ये व्हीकल को दिया है हीरो कंपनी ने। अभी तक दिया था वो हाई सीसी वाले बाइक के लिए दिया था, लो सीसी के लिए नहीं दिया था उसमें। और सबसे पहली बात इसमें क्या है, जो लो सीसी की बाइक है इसमें फ्यूल इंजेक्टर भी दिया है। फ्यूल इंजेक्टर बोले तो क्या मतलब होता है, जो पुरानी बाइक थी उसमें कार्बोरेटर लगाया जाता था, कार्बोरेटर का सफा करना ये करना, उसमें कचरा बिचरा लगता तो बाइक स्टार्ट नहीं होती थी, उसको ज़्यादा खर्चा होना पड़ता था, गैरेज में लेके जाना पड़ता। लेकिन अभी हीरो कंपनी ने यानी ज़्यादा करके सभी कंपनी ने अभी नया जो सिस्टम निकाला है फ्यूल इंजेक्टर का, आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर लिखा है FI का मतलब होता है फ्यूल इंजेक्टर, यानी मतलब इस बाइक में कार्बोरेटर का इस्तेमाल नहीं किया है। तो मैं इसका ओवरऑल थोड़ा आप लोगों को जानकारी देना चाहता हूँ। यहाँ पर कैमरे को मैं यहाँ पे बुलाना चाहता हूँ, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं गाड़ी स्टार्ट किया, इसमें क्या क्या चीज़ होता है देखते हैं हम लोगों को। यहाँ पे स्पीडोमीटर दिया है, अभी ये गाड़ी है कुछ है 1. कुछ चली है, नई गाड़ी है, कल ही लेके आया इसको, मैं जाके लेके आया था क्योंकि जो मेरी जो लड़की है ना वो मेरी स्टूडेंट है, तो उसके पापा ने बोले तो ये गाड़ी को लेके आना है, वो लड़की के लिए खास लेके आया बाइक। तो ज़्यादा चली नहीं, कंपनी के डीलर के पास से अभी लेके आए। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो ग्रीन कलर का है ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल का लाइट है, और ये जो डिजिटल नहीं दिया है यहाँ पे हम लोगों को कैसे दिया है, एरो दिया है नंबर के हिसाब से दिया है। यहाँ पर हमें जो भी फ्यूल कितना होगा, फ्यूल कम ज़्यादा कितना है, यहाँ पे रेड भी कलर का दिया है। रेड कलर का मतलब कि हम लोगों को फ्यूल फिलअप करना पड़ेगा, अगर रेड के नीचे अगर गाड़ी जाती है बाई चांस तो गाड़ी बंद हो सकती है क्योंकि फ्यूल के ड्यू टू लैक ऑफ फ्यूल के वजह से, एंड रेड कलर हमें यहाँ पर दिया गया है। दोस्तों आप लोगों को बताना चाहते हैं जो टैंक दिया है, टैंक दिखने में बहुत अच्छा है, इसका लोगो भी अलग से चेंज किया, हीरो ने अपना जो ट्रेडमार्क होता है वो भी यहाँ पे दे दिया है। इसका जो टैंक का जो कैपेसिटी होता है ये एक्चुअली 9.5 लीटर इतना दिया है, 9.5 लीटर का दिया है, और 1.5 लीटर इसका रिजर्वेशन होता है, रिजर्व के लिए 1.5 लीटर हम लोग रख सकते हैं, ये हिसाब से कैपेसिटी इसका दिया है वो हिसाब से। और दूसरा बात बोले तो क्या मतलब होता है यार, ये जो पावर स्टार्ट है इसमें ये सॉकेट दिया है, इसमें जो टूल किट है या जो फर्स्ट एड जो भी होता है वो इसमें रखा दिया है ये हिसाब से। इसका अगर एब्सॉर्ब सस्पेंशन का बात करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं स्प्रिंग 1, 2, 3, 4, 5 ये हिसाब से दिया है, अच्छा दिया है ये हिसाब से। आगे का जो फोर्क दिया है ये फोर्क हाइड्रोलिक एब्सॉर्प्शन के हिसाब से जो फोर्क दिया है इसके बारे में भी हम लोग बात करते हैं। सबसे अच्छी बात इसमें क्या दिया है, ये जो नी गार्ड है, नी गार्ड और जो साइलेंसर के ऊपर का जो कवर ये क्रोम से बने लग दिया है। अभी तक ये जो लो सीसी की बाइक थी उसमें क्रोम से नहीं था, ये जो नी गार्ड है और ये जो साइलेंसर के ऊपर का जो कवर दिया है ये हमें कैसे क्रोम का दिया है, क्रोम से बनाया गया है, तो ये अच्छी बात है इसमें। बाकी दूसरी बात बोले तो जो पहले की जो बाइक थी वही सब कुछ है इसमें, इंजन है वही है, कुछ फर्क नहीं है। सिर्फ आपको दिखाना चाहता हूँ पहले ये जो केबल दिया है ये नहीं दिया, ये एक्चुअली क्या है जो प्लग दिया है स्पार्क प्लग, इसके नीचे ये जो केबल गया है ये ऑक्सीजन सेंसर है, ऑक्सीजन सेंसर उसके अलावा ये जो साइलेंसर आता है साइलेंसर में भी हम लोग को यहाँ पे कैटालिक कन्वर्टर ये दिया है, ये कैटालिक कन्वर्टर है यानी जो साइलेंसर से जो टॉक्सिक केमिकल आता है कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह उसको थोड़ा प्योर करने का काम ये करेगा, यानी कैटालिटिक कन्वर्टर करने का काम ये करेगा और इसमें से बाहर जाएगा, यानी धुआं इसमें से बाहर जाएगा ताकि जो पॉल्यूशन होगा वो कम हो सके। दोस्तों और आप लोगों को बात बताना चाहता हूँ, दोनों भी व्हील दिया है, जो फ्रंट व्हील है और जो रियर व्हील है ये हमें 2.75x80 इसका जो है व्हील का जो मेजरमेंट है यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा होता है 2.75x80 दोनों भी सेम दिया है। हालांकि ज़्यादा करके बाइक में क्या होता है आगे का व्हील पतला होता है पीछे का मोटा होता है, लेकिन ये दोनों भी साइज सेम दिया है क्योंकि लो सीसी की बाइक है, ये फोर स्ट्रोक इंजन की बाइक है, इसमें फोर स्ट्रोक हालांकि क्या होता है वो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी वीडियो में बता दिया है, फोर स्ट्रोक का मतलब फोर गियर नहीं,
एक गियर फोर गियर की बाइक है, टॉप गियर इसका फोर्थ वाला है, यानी न्यूट्रल फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, लेकिन फोर स्ट्रोक वाला। फोर स्ट्रोक का मतलब मैंने एक वीडियो में अपलोड किया, वो भी आप देख सकते हैं। इसके हम लोग ऑन रोड प्राइस बोले, ऑन रोड प्राइस बोले तो अंदाजा 70 यानी 72,000 के हिसाब से इसका ऑन रोड प्राइस है। इसका माइलेज के बारे में हम लोग बात करते हैं तो इसका माइलेज अच्छा है। क्यों अच्छा है इसका माइलेज, तो उसका कुछ कारण है, क्योंकि ये i3 सिस्टम है। यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे स्विच है i3 सिस्टम। i3 सिस्टम में क्या होता है, एक्चुअली शुरुआत में अगर हम लोग गाड़ी चालू करेंगे और बाद में गियर में डालने के बाद अगर फिर से न्यूट्रल में लाते हैं, तो शुरुआत के 4-5 सेकंड के बाद ऑटोमेटिकली गाड़ी का इंजन बंद हो जाएगा, जिससे क्या होता है हमारा जो फ्यूल होता है वो वेस्टेज नहीं जाता, हमारा फ्यूल होता है वो हमें सेविंग करता है, यानी माइलेज ज़्यादा करके मिलता है। तो ये काम कभी आता है i3 सिस्टम, अगर हम लोग सिग्नल के ऊपर अगर रोकते हैं या कभी भी ट्रैफिक में अगर हम लोग फंस जाते हैं, तो उस समय i3 सिस्टम का बहुत बड़ा काम हमें मिलता है। उसके अलावा आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, जैसे कि ये इंडिकेटर है, ये इंडिकेटर थोड़ा सा मुझे थोड़ा कम लगा है, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल नहीं है। जो पुरानी बाइक थी उसका ये फ्लेक्सिबल है, ये फ्लेक्सिबल नहीं है। ज़्यादा करके बाइक अगर टकराएगी तो थोड़ा ये टूटने का डर रहता है। ये जो इंडिकेटर है, जो चीज़ें वो, और अंदर का जो बल्ब है वो हमें 12 वोल्टेज का बल्ब है इसका, अंदर का इंडिकेटर का भी 12 वोल्ट। जो हेडलाइट देखते हैं, हेडलाइट अच्छा है, इसमें बल्ब जो दिया हैलोजन बल्ब दिया इसमें, ये जो हेडलाइट है 12 वोल्टेज का है, 35-35 वैटेज का जो हैलोजन का बल्ब है इसके बारे में। उसके बाद में आप लोगों को और बात बताना चाहता हूँ, जैसे कि टेल लाइट है, टेल लाइट बहुत सुंदर दिखाई देते हैं इसमें। टेल लाइट होता है ये 5-10 का वैटेज का दिया है ज़्यादा करके इसमें। जैसे हम लोग ब्रेकिंग वगैरह करें तो हम लोगों को इसका इंडिकेटर के हिसाब से मालूम पड़ता है इसमें। और एक दूसरी बात बोले तो इसमें क्या चीज़ बताया आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जैसे कि मैंने बताया स्पार्क प्लग के नीचे ये ऑक्सीजन सेंसर होने की वजह से अच्छी बात होता है। और जो हम लोगों का कार्बोरेटर रहता था उस तरफ से रहता है कार्बोरेटर जूनी बाइक में, तो कार्बोरेटर को हटा दिया है। उसके अलावा हम लोगों को क्या दिया है, तो फ्यूल इंजेक्टर दिया, यानी फ्यूल को इंजेक्ट करने का काम किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों ये लो सीसी की बाइक होने की वजह से या फिर वॉल नहीं दिया हैंडल के ऊपर, ये थोड़ी ये कमजोरी की बात है, ये देना चाहिए था। और ये जो ड्रम ब्रेक का सिस्टम दिया है, डिस्क ब्रेक अभी तक इसमें दिया नहीं लो सीसी की बाइक के लिए, ये ड्रम ब्रेक का सिस्टम आगे के लिए भी और पीछे के व्हील के लिए भी ये बात है। इसका और एक नया एडवांस बात होगा है, जो चेन कवर होता है, चेन कवर ये पहले के ज़माने में जो जूनी बाइक थी, जो इसका जो पहले की बाइक थी यही कंपनी का, ये जो पतरे का चेन कवर था, लेकिन दोस्तों आप लोगों को बताने के लिए खुशी हो रही है, ये फाइबर के हिसाब से दिया है, ये जो चेन कवर है फाइबर के हिसाब से, तो अच्छा बात दिया है इसमें, कवर वगैरह दिया है इसमें, ये चीज़ अच्छा है। मैं आप लोगों को थोड़ा बाइक स्टार्ट करके बता रहा हूँ, या फिर जैसे अभी इग्निशन की मैंने चालू किया, या फिर न्यूट्रल का सिस्टम आ गया, तो न्यूट्रल तो मैं बाइक को स्टार्ट कर रहा हूँ, बाइक स्टार्ट हो गई। इसकी लाइट भी आप देखते हैं, आवाज़ भी सुन सकते हैं, यानी ओवरऑल परफॉर्मेंस बोले तो बाइक का अच्छा परफॉर्मेंस होगा मुझे पता है दोस्तों। और एक जानकारी आप लोगों को देता है, इसका जो माइलेज मिलेगा वो मेरे ख्याल से 70-72 का माइलेज मिलेगा, यानी एक लीटर में हम लोग 70 या 72 किलोमीटर हम लोग दूर जा सकते हैं। वो चलाने वाले के ऊपर होता है ज़्यादा करके, और जो एटमॉस्फेयर होता है उसके बारे में, जैसे कंपनी हमें माइलेज बताती है, वो माइलेज कैसे बताते हैं, हम लोग अगर 40 के स्पीड में जाते हैं, यानी 40 के स्पीड में अगर हम लोग जाते तो एक लीटर में कितना दूर तक हम लोग जाते, कितना किलोमीटर जाते, तो उसके अनुसार कंपनी हमें माइलेज बताते, यानी शो करते मैनुअल बुक के ऊपर। लेकिन हम लोग जब चलाते तभी हम लोग आगे पीछे चलाते, कभी कभी 50-60 के भी स्पीड में जाते, 80 के स्पीड में जाते, या कोई कोई ट्रैफिक के इलाके में हम लोग 20 के स्पीड में भी जाते, 15-20 के हिसाब से, यानी माइलेज कैसे कम ज़्यादा होता है। जो ट्रैफिक में रहेगा तो माइलेज आपको कम मिलेगा, हाईवे पे रहेगा तो आपको माइलेज ज़्यादा मिलेगा। तो इस हिसाब से मैं आप लोगों को बात बताना चाहता हूँ। जैसे और एक यहाँ पे बात बताना चाहता हूँ, फिर यहाँ पे जो जूना सिस्टम है वही बात दिया है, जैसे कि ये हॉर्न है, जैसे मैं अभी इसको ऑन किया, ये हॉर्न है, हॉर्न का आवाज़ आती है, अच्छा आवाज़ है, लंबे तक आवाज़ जा सकता है। लेकिन एक इसमें कमजोरी क्या दिया है बात, मुझे पता ना, मैंने वो डीलर से बात किया, लेकिन वो बताया कि इसका जो बजर होता है इंडिकेटर है वो बाद में कुछ लगा सकते हैं। जैसे मैंने इंडिकेटर चालू किया, बजर नहीं बज रहा है इसका, ये बाजू भी चालू किया, यानी इंडिकेटर अच्छा है लेकिन बजर नहीं बज रहा है। अगर बजर नहीं बजने की वजह से जो बाजू में जो बाइक वाला या जो भी व्हीकल गाड़ी वाला होगा उनको पता नहीं चलेगा, ये थोड़ा कमजोर है, तो बजर का सिस्टम क्या है उसको मैं देखेगा, उसको सुधारने की कोशिश भी करूँगा। और एक बात यहाँ पे आप लोगों को बता, जैसे अप डाउन यहाँ पे जो लाइट होती है, लाइट
अप डाउन वाली लाइट होती है, इसके बारे में भी बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जैसे भी स्टार्ट करके वो मालूम पड़ेगा। ये लाइट को आप देख सकते हैं सामने के दीवार की ओर, दीवार की ओर आप यहाँ पे भी बता सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक बात नहीं है कंपनी ने, क्योंकि कॉस्ट कटिंग की बात मुझे लग सकते हैं, क्योंकि कॉस्ट कटिंग का मतलब होता है अगर जैसे कि जो बात नहीं है यार, पासिंग लाइट मुझे यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही, मुझे पता नहीं बराबर। पहले की बाइक में जो पासिंग लाइट थी, पासिंग लाइट जो रात में हम लोग ट्रैवलिंग करने के लिए इस्तेमाल करते सामने वाले को पासिंग मांगने के लिए, वो यहाँ पर दिखाई नहीं दे। मेरे ख्याल से वो क्यों किया रहे तो कॉस्ट कटिंग की बात मैं सोच सकता हूँ उसके बारे में, क्योंकि कंपनी का खर्चा बढ़ेगा तो जो कस्टमर है उसका भी खर्चा बढ़ेगा, ज़्यादा महंगी लगेगी, इसके लिए कॉस्ट कटिंग के हिसाब से। यानी ओवरऑल बात करेंगे तो जो पहली बाइक थी वही बाइक है, लेकिन ये बाइक है BS6 है। दोस्तों आप लोगों को बताने के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि BS4 के बाद डायरेक्टली BS5 हम लोग के इंडिया में नहीं आई, क्योंकि यूरोपियन कंट्री का जो यूरो सिस्टम था उसको हम लोग एडॉप्ट करते हैं सिस्टम भारत स्टेज के लिए, तो उस समय जो यूरो कंट्री का जो सिस्टम था, यूरोपियन कंट्री का जो यूरो बोलते हम लोग, तो आगे चला गया था, लेकिन हम लोग के यहाँ पे कुछ कारणों के वजह से हम लोग BS5 बना नहीं सके हमारे यहाँ की कंपनी। तो हमारे गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी के हिसाब से कंपनियों को बात बता दिया कि BS6 का हम लोगों को प्रोडक्शन करना है, तो इस हिसाब से ये बाइक है जो BS6 की है, भारत स्टेज है, इसका जो जनरेशन है भारत स्टेज वो 6th जनरेशन। तो ओवरऑल बात करते हैं तो ये बाइक चलाने के लिए अच्छी है, जैसा सिंगल आदमी अगर बैठता है तो इसका माइलेज अच्छा बाइक मिला देगा, अगर माइलेज अगर अच्छा है और इसका मेंटेनेंस भी अच्छा है तो ये सबसे अच्छी बाइक है। ज़्यादा सीसी को अगर हम लोग लेते तो हमारा खर्चा वगैरह ज़्यादा बढ़ता है, लेकिन मध्यम वर्गीय लोगों के लिए जो मिडिल क्लास जो पर्सन होते हैं उनके लिए सबसे अच्छी ये बाइक है। नई कंपनी यानी जो हीरो की कंपनी, उसने सबसे पहले इसका EFI यानी फ्यूल इंजेक्टर सबसे पहला दिया है। I3 सिस्टम तो BS4 से चालू किया था, लेकिन जो फ्यूल है यानी FI सिस्टम फ्यूल इंजेक्टर वो सबसे पहले लो इंजन के लिए चालू किया है, वो यही बाइक के लिए किया है। जो बजाज कंपनी ने लो इंजन के लिए चालू किया था, लेकिन हीरो कंपनी ने नहीं किया, तो सबसे पहले यही बाइक के लिए हीरो कंपनी ने FI सिस्टम फ्यूल इंजेक्टर का काम किया है, हायर सीसी के बाइक के लिए किया था। दोस्तों यहाँ पर मैं रुक जाता हूँ क्योंकि वीडियो आपका ज़्यादा करके लंबा हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको मेरा अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के मित्रों के साथ शेयर करें, साथ में अगर आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आपने मेरा वीडियो देखा, जय हिंद।